नमस्कार प्राइम टाइम में पहले जाट राजनीति। 15 फरवरी यानी कल हरियाणा के जींद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली होनी है। बंदोबस्त दुरुस्त हो इसका जायजा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज जींद में जाके लिया, वो भी खुद मोटरसाइकिल चलाकर मिनी रैली एक तरह से कर डाली, सुनिश्चित करने के लिए कि पार्टी अध्यक्ष की रैली के लिए हालात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जाट संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष की मोटरसाइकिल रैली का विरोध करने का ऐलान किया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने दो साल पहले 2016 में जाट हिंसा के दौरान दर्ज किए गए सभी मामले वापस ले लिए। इस हिंसा में 31 लोगों की जान चली गई थी, 87 केस दर्ज किए गए थे, 51 चालान पेश हुए थे, लेकिन अब ये सब वापस हो रहा है। 40 आरोपी बरी हो गए हैं और बाकियों को छुड़ाया जा रहा है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है और इसी बजट सत्र में आरक्षण को पास किया जाएगा। 2016 में जाट उत्पातियों ने आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर हंगामा किया था। आपको याद होगा संपत्तियों को तोड़ा फोड़ा गया था, लूटपाट आगजनी हुई थी, 31 लोग मारे गए थे, 150 घायल हो गए थे। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा था कि 34,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। 3 दिन तक चली हिंसा में मनोहर लाल खट्टर सरकार पूरी तरह से चरमरा गई थी। राज्य सरकार की अब तक की इसे एक बड़ी विफलता माना जाता है और आलोचना होती रही है। करीब 2,100 एफआईआर दर्ज की गई थी, कई 100 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा, रोड ब्लॉक करने, सरकारी कर्मचारियों पर हमले भी, और जो अब ये दर्ज किए गए थे। तो अब ऑल इंडिया आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा था कि वो 50,000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अमित शाह की मोटरसाइकिल रैली को ब्लॉक करेंगे क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही थी। तो राज्य सरकार ने चेतावनी को देखते हुए 150 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां भी मंगा ली थी, लेकिन अब आश्वासन मिला है और विरोध नहीं हो रहा है। सरकार का कहना है कि मामले इंसानियत के नाते वापस लिए गए हैं, समय बीत गया है और बच्चे तो हरियाणा के ही हैं। तब हरियाणा के जाट राजनीतिक तौर पर अहम मसला है। राज्य में इनकी 30% आबादी है, ज्यादातर खेती से जुड़े। ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में ज्यादा बसते हैं। आबादी करीब 8,25,00,000 की है। तो क्या रैली के लिए बीजेपी जाटों को बहला रही है? क्या इस तरह मामले वापस लेना कानून का मखौल उड़ाना नहीं है? क्या जाटों का तुष्टीकरण हो रहा है? साथ ही अमित शाह की 1,00,000 मोटरसाइकिल की रैली पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस भी दिया हुआ है प्रदूषण के कारण। तो क्या राजनीति के आगे बीजेपी के लिए पर्यावरण की चिंता मायने नहीं रखती? तो यही सब मसले हैं। प्राइम टाइम में पहले भाग में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान राजकुमार सैनी, बीजेपी के सांसद, कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र यादव, अध्यक्ष स्वराज इंडिया के, हमारे साथ हैं। सुरेश मछरौली, जाट नेता हैं। कुलभूषण भारद्वाज, नेता बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं राजकुमार सैनी जी, आप ही के पास आऊंगी। आप बीजेपी के नेता हैं, ठोस हरियाणा से। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली जींद में कल हो रही है, आप उस रैली में जा रहे हैं? नहीं, मैं रैली में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे हैं, आप जानना चाहेंगे? देखिए, एक प्रेशर के आगे अगर सरकार अंडर प्रेशर होकर के इस प्रकार देश के व्यवस्था का मखौल उड़ने लगेगा। प्रदेश में माननीय सुप्रीम, देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि इस प्रकार से किसी भी जाति को आरक्षण नहीं दिया जा सकता किसी के दबाव में या गलत तथ्यों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की बजाय लोग अंडर प्रेशर होकर के रिव्यू पिटीशन डाल लें, विधानसभा से उनको आरक्षण के पारित करके दें और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन का इस प्रकार से पुष्टिकरण करने लगे और वोट की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी परवाह ना करके एक उस बड़े संगठित लोगों के संगठन के आगे अंडर प्रेशर होकर के उनकी बात मानने लगे जिन लोगों ने पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ दिया, लोगों के बच्चे मार दिए, प्रदेश के अंदर आगजनी की। इससे पहले भी आरक्षण के नाम पर एक बार हरियाणा जला के आरक्षण बैकवर्ड को नहीं मिलना चाहिए। दोबारा हरियाणा जलाया गया कि आरक्षण की सूची में हमें डाला जाना चाहिए। कौन है सुप्रीम कोर्ट जो
हमारे आरक्षण को छीन सकता है। राजकुमार सैनी जी, आपने अपनी सरकार को क्या ये समझाया? आप ही की तो सरकार है। और आप जी, घर के अंदर भी अपनी बात कही जाती है, अगर कोई ना माने तो वो उसकी मर्जी होती है, जिसके जो सरकार का मेन पार्ट होता है। घर के अंदर मुखिया जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन बात कहने का सबको हक है। बात कहने का सबको हक है। हमारे साथ योगेंद्र यादव मौजूद हैं। योगेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कि अमित शाह की रैली हो रही है, बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष हैं, वो रैली करते हैं, लेकिन एक सांसद कुरुक्षेत्र के जो हैं वो नहीं जाते, और वो जो तमाम इस रैली को करने के लिए एक तरह से कहा जा रहा है, कुछ मामले वापस लिए गए, इसलिए वो नाराज नजर आ रहे हैं। निधि, पहले हम बड़ी तस्वीर को देखें, और बड़ी तस्वीर ये है कि हरियाणा ने पिछले 50 साल में तमाम तरह की सरकारें देखी, अच्छी देखी, बुरी देखी, जन समर्थन वाली, जन विरोधी सरकारें देखी, बेईमान देखी, डकैत सरकारें देखी, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार हरियाणा ने पिछले 50 साल में नहीं देखी है। मैं तो एक हरियाणवी होने के नाते बिल्कुल शर्मसार हूं। कुछ भी हो जाए, खाली आज की बात नहीं है, वो हिसार के अंदर एक बाबा खड़े हो गए, सरकार को लकवा मार गया, वहां रोहतक जल रहा था, सरकार चुपचाप बैठी हुई थी, अब ये पंचकुला के अंदर बाबा जी खड़े हो गए, इनके कुछ हजारों लोग खड़े हो गए, फिर सरकार पैरालाइज्ड हो गई। गुड़गांव में एक के बाद एक रेप की खबरें आ रही हैं, सरकार को करने को कुछ नहीं है, लेकिन कब सरकार जांच करती है? जब एक गर्भवती औरत डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल में आती है, उससे पूछा जाता है आधार कार्ड लाओ, ये वो सरकार है। इतना निकम्मा पर हरियाणा में आज तक कभी नहीं देखा। और ये आप इसे कह रहे हैं जाटों का तुष्टीकरण, मैं नहीं मानता किसी एक जाति का तुष्टीकरण है। चलिए, जो आपने ये जो योगेंद्र जी जो आपने बड़ी तस्वीर है, जो आपने बड़ी तस्वीर पे सवाल उठाए, वही पूछ लेते हैं। कुलभूषण भारद्वाज जी, आप हमारे साथ हैं, आप भी सांसद हैं बीजेपी के। योगेंद्र जी, जिस तरह से कह रहे हैं, क्या हो रहा है हरियाणा में, कानून व्यवस्था का माहौल हर स्तर पर, और अब ये कल रैली होने वाली है, उससे पहले भी हरियाणा के अंदर, मैं सबसे पहले तो आपको जानकारी दूं कि भारतीय जनता पार्टी को बीटीएस में जाता था, हर व्यक्ति ही बोलता था, हर राजनीतिक दल समझौता हमसे करता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रांत के अंदर स्पष्ट बहुमत से आई है। जो अब से पहले को सर आपने क्या दिया, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत दी। मैं योगेंद्र जी की बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ। जो इन्होंने कहा है कि निकम्मापन जो बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नहीं है, अगर जो राम रहीम बाबा की अगर बात करते हैं तो उसको यहां तक पहुंचाने में किन लोगों का योगदान रहा, किन पार्टियों का योगदान रहा। अगर ये रामपाल जी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो हमसे पहले सरकारों ने गड्ढे खोदे थे वोट के, सत्ता हत्याने के लिए वोट की राजनीति जो की थी, हम उन गड्ढों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरने का काम कर रही है। आज पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश के, पूरे हरियाणा के अंदर सभी विधानसभाओं में समान रूप से विकास के काम हो रहे हैं। पहली बार हरियाणा प्रांत के अंदर हुआ है कि सबको नौकरियां उनकी योग्यता के आधार पर मिल रही है, ना कि किसी सांसद की चिट्ठी, मंत्री की चिट्ठी या किसी पार्टी के पदाधिकारी की चिट्ठी पर नहीं आते, नौकरी पर नहीं आते। नहीं, मैं कल पार्टी योगेंद्र जी की बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं, योगेंद्र जी की बात का आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन वाकई में कानून का माहौल एक इसलिए सवाल उठता है, 31 लोगों की जान गई थी, क्या वो बीमारी थी? इतनी सारी 2100 के करीब 2100 FIRs होती हैं, वो सब बीमारी थी क्या? क्या कानून का कोई मायने नहीं रखता अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए? क्या सब वापस ले लिया जाता है? देखिए, परिस्थितियों के, आज जाट समुदाय हो सकता है, कल कोई और समुदाय हो सकता है, फिर कोई और समुदाय हो सकता है, तो ये कहां से लॉजिक हुआ कि तमाम केसेस वापस ले लिए गए? पहले तो मैं आपकी जानकारी लेकर आना चाहूंगा कि जो हिंसा हुई, हिंसा के अंदर ना किसी की जाति थी, ना किसी का धर्म था। उस हिंसा के अंदर जिस भी, जो भी असामाजिक तत्व थे, जो राष्ट्रधारा से ओतप्रोत नहीं थे, उन लोगों ने हिंसा करने का काम। सांसद नाराज बैठे हैं कुरुक्षेत्र के, आप सुन रहे हैं, राजकुमार सैनी खुद नाराज इतने हैं कि कैसे आप हमारा जो कानून व्यवस्था है, संविधान है, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया आपने। राजकुमारी जी हमारी पार्टी के सांसद भी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और बड़े सम्मान पूर्वक कहना चाहूंगा, जैसा भी उन्होंने कहा कि घर में हमें अपनी बात कहनी चाहिए, रखनी चाहिए। मैं तो इनसे बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, मैं तो आग्रह और निवेदन भी करूंगा राजकुमार सैनी जी से कि जिस प्रकार से वो यहां पर कह रहे हैं बात को कि परिवार में बैठकर बात की जानी चाहिए, तो मेरा अनुरोध और निवेदन है कि पार्टी के सही मंच पर इनको अपनी बात को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करना चाहिए। कोई सुन नहीं रहा उनका ये कहना? ये देखो, ऐसा नहीं होता, इतना बड़ा संगठन है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी बात कहूं जी योगेंद्र जी,
अभी भारद्वाज जी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जो कुछ किया वो किया, तो क्या आज आपकी सरकार ने असामाजिक तत्वों को छुट्टी दे दी है? अगर आप ही कह रहे हैं असामाजिक तत्व हैं, आपने कह दिया कि असामाजिक तत्व जो चाहें जो करें, और एक प्रकाश सिंह कमेटी थी जो आपकी सरकार ने बनाई थी, प्रकाश सिंह इस देश के सबसे प्रतिष्ठित आईपीएस अफसरों में से हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट में आपकी सरकार ने क्या कुछ किया, सरकारी रिपोर्ट है, मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा, उस प्रकाश सिंह कमेटी ने क्या कहा था सरकार के बारे में, क्या कहा था उस दंगे के बारे में, क्या हिम्मत है आपकी उसको लागू करने की? योगेंद्र जी, जो वो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने आंकलन किया, और जिन लोगों को जो दंड मिलना चाहिए था वो उसके अनुरूप दंड देकर उस जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार काम करने का प्रयास किया पहली बार। आप ये कह सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली इतनी बड़ी रिपोर्ट थी, 300 हलफनामे, उसमें 2217 लोगों से बातचीत हुई थी, और इतनी बड़ी करीब 500 पन्नों की वो रिपोर्ट थी, और उसमें तमाम महकमा ऊपर मुख्यमंत्री से लेकर नीचे महकमे तक सबकी उसमें आलोचना की गई थी। क्या कार्रवाई, उनको सेकंड वॉल्यूम लिखने नहीं दिया गया प्रकाश जी को? मैंने कहा ना आपसे कि किसी भी घटना से हम सबक लेकर कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अब एक आपने कहा रिपोर्ट, योगेंद्र जी भी कह रहे हैं रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर जहां जहां पर भी कमियां थी, जहां जहां पर भी हमें सुधार की आवश्यकता थी, सरकार ने उसमें सुधार किया है, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है, ताकि पुनः हरियाणा प्रांत के अंदर उसमें नहीं जाना चाहती हूं। अब ये मामला सामने आता है कि जो ये तमाम मामले थे, दो तीन दिन तक पूरी हमारी जो पूरा इलाका था, आप कितने शहर थे, बिल्कुल एक तरह से बंद हो गए थे, और 36,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, संपत्तियों को नुकसान हुआ था, क्या आश्वासन आपने दिया हमारे जाट भाइयों को कि वो वापस हो गए? ये माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो प्रभारी साहब हैं वो, और जो जाट नेता हैं, वो सब बैठकर, और उन्होंने बैठकर उस पर बातचीत की है, और जो यशपाल मलिक जी हैं उनके साथ बैठकर, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक अच्छी एक वार्ता, एक जिस पर कोई नतीजा निकला है, ऐसी वार्ता हुई है जिसके अंदर की जो अपने जाट समुदाय के लोग हैं, आप हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं, आप ये बताइए आप लोग जा रहे हैं रैली में कल? नहीं जी, देखिए ऐसा है, मैं हम रैली में इसके समर्थक थे ना इसके विरोधी थे, हम एक सामाजिक संगठन, विरोधी तो थे, कहा जा रहा है पूरे अमित शाह की रैली को आप लोग रोकने वाले थे। देखिए सिर्फ वो बात सुनिए जी, पूरी जब जवाब है तो पूरा जवाब दे। उसमें क्या था कि हमारा फरवरी में जो आंदोलन हुआ 14 फरवरी 2016 से जो आरंभ हुआ, तो पहली तो बात यह जानिए कि वो शुरू किसने किया था, वो इनके एक मंत्री हैं हरियाणा में, ओम प्रकाश धनखड़, उनके रिश्तेदार ने शुरू किया था वो आंदोलन, ओम प्रकाश धनखड़ को जाट नेता बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था, और उसमें आग में घी डालने का काम इनके सांसद राजकुमार सैनी जी ने जो एक 35-1 का नारा दिया, उसने इसमें काम किया, ये झूठे तैसी है 35-1 का, जो ये जो अपना 35 बिरादरी के कह रहे हैं, उसमें 31 लड़कों की जाने गई, जिसमें 18 लड़के जाट समाज से था और 13 अन्य समाजों से था, 2105 मुकदमे दर्ज हुए जिसमें अलग भगा देव और अन्य जातियों में थे जाटों से अलग। हमने आंदोलन किया 5 बार, हमारा फरवरी 22 से और यहाँ अब तक जो समझौता, 5 बार हम हरियाणा सरकार से हमारी बातें हुई, हमने हर बार हरियाणा सरकार को यही कहा जी वो दुर्घटना मानको आपके कार्यकर्ता थे, आप उन पर जांच करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी है, पर बाकी सारा समाज जानता कि आपके ये साजिश थी, और हम चाहते हैं कि आगे हरियाणा भाईचारा कायम रहे जो कि इसकी एक परंपरा हरियाणा की, उसको देखते हुए जितनी भी दुर्घटना समझ कर उसकी, और सभी के मुकदमों की हमने मांग की, और देखिए उसमें आधे से ज्यादा मुकदमे अन्य जातियों पे थे, सरकार ने सभी मामले सभी के लिए मांग की, एक जाति के लिए नहीं की, 31 के 31 बच्चों को हमने नौकरी दिलवाई है जिसमें अन्य जातियों के भी है, और ये झूठे तसी राजकुमार सैनी जो इनके सांसद, इनसे पूछो कि इतने बच्चे जान लेके किसी जाति के घर पे गए दुख सुख दुख दर्द जानने के लिए, जो घायल थे जो अन्य जातियों के लड़के घायल थे उनको मुआवजा हमने दिलवाया है, 5 बार आश्वासन हमने संघर्ष हमने किया है, वो सभी जातियों के लिए था, और हम चाहते हैं कि 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहे। सैनी जी आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जी, मैं भाई साहब से एक सीधा सीधा है कि आपने तो शायद सरकार को झुका करके मुआवजा दिलवाया होगा और उनको नौकरी अपने वाले लोगों को तो दिलवाई होगी, लेकिन जो लोग 13 आदमी जो अदर मरे थे उनको हमने लोगों से पैसे दिलवाए, 2-2 लाख रुपए मैंने खुद दिलवाए और उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, आपने अंडर प्रेशर करके सरकार को अपने लोगों को नौकरियां दिलवाई, मुआवजा दिलवाया, जिन लोगों ने उत्पात किया था उनको जो है ना आज आप साफ जेल से बचा करके बाहर निकलवा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कानून आपके लिए खिलौना है,
हम कानून की कानून में आस्था रखते हैं और कानून का खुद मैंने केस 2 साल तक भुगता और 2 साल झूठे मुकदमे को भुगतने के लिए मुझे हाई कोर्ट में जाकर के अपनी पैरवाई करनी पड़ी। और अगर इस प्रकार से प्रदेश की व्यवस्था चलनी है तो 2010 में SC समाज के लोगों ने भी विद्रोह किया था, उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। इसी प्रकार से यही व्यवस्था पंचकूला के अंदर 25 अगस्त को हुई थी, उन लोगों को भी फिर छोड़ा जाना चाहिए जिनका ऐसा इस प्रकार का कोई दोष भी नहीं था। जी, ये भाजपा सैनी जी तो जो प्रकाश सिंह की रिपोर्ट है, दीदी जी एक मिनट जी, देखिए 70 साल में से 55 साल तो कांग्रेस ने भाषण दिए इस देश को, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, किसान बचाओ, ये भाषण तो सुनते सुनते हमें बहुत मुद्दत निकल गई, आज भी हम बहुत भाषण सुन रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविक तौर पे हम कानून का सम्मान करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, क्या इन भाइयों का ये कहना वाजिब था कि हम आरक्षण लेके छोड़ेंगे? कौन है सुप्रीम कोर्ट और कौन सी वो सरकार जो हमारा आरक्षण रद्द कर दे? नहीं तो दिल्ली को आग लगा देंगे, हरियाणा को आग लगा देंगे, और वो लगा करके दिखाई जो लोग बाकी के हैं उन लोगों इसका जवाब देने दीजिए। परिस्थिति है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इसका पूरा जवाब देना राजकुमार जी, सुनिए राजकुमार जी, आप सुनिए जवाब सुनिए इसका। आपने बोला कि इन्होंने कहा दिल्ली तक चला, राजकुमार जी आप अगर जातिवाद पर इतना भी शो करते हैं तो आपकी जाति को पहली बार आरक्षण जाट मुख्यमंत्री ने दिया था, अगर आपने जाटों से इतनी हटा दो अपना आरक्षण छोड़ दो, वही दूसरी बात है। सरकारें पब्लिक के लिए होती, पब्लिक सरकारों के लिए नहीं होती, लोग पब्लिक सरकार के सरकार पब्लिक के लिए होती है, हमारा हक बनता है, हमने अपना आंदोलन शांतिपूर्वक किया था, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, और आप झूठ बोल रहे हैं कि दो सभी को बराबर मुआवजा दिया सरकार ने, चाहे जाट थे चाहे गैर जाट थे, आप किसी के घर तक नहीं गए, अपने घर में बैठ गए लोगों को बर्बाद, आप नकली तैसी हैं, आप 35 आप नकली तैसी हैं, 100% आरक्षण आप नकली तैसी हैं, आपकी जाति आपको जाटों से इतनी नफरत है तो एक जाट मुख्यमंत्री के दिया आरक्षण के लिए आप छोड़ दो ना, अगर मैं नहीं चाहिए जाटों की दी हुई चीजें आप छोड़ दो, ये बात ये बात आपके सामने है। आप 7 साल से ज्यादा आगे हो गए बीजेपी मारने के बाद जाटों का विरोध किया, मुख्यमंत्रियों ने किया, 3-4 पार्टियों में रहे हैं, 52% 3-4 पार्टियों में कभी आपने जाटों का विरोध नहीं किया, इससे पहले भी जाटों को 2 बार आरक्षण मिला है, आपकी बोलती बंद थी, और अब समाज में विघटन करने के लिए हरियाणा को जलवाने के लिए आप जब से बीजेपी में जाटों का विरोध कर रहे हैं, जाटों के मुख्यमंत्री द्वारा दिया आरक्षण छोड़ दो, आप बोलो ना अपनी कौम को उसमें इकट्ठा करके, सबके आरक्षण की बात की है भाई, हमने सबके आरक्षण की बात सब, किया 100% आरक्षण आप सब की करिए, हम छह जातियों के लिए आरक्षण मांग रहे हैं, हमारे साथ 5 जातियां और भी हैं। योगेंद्र जी जो ये आरक्षण का मसला है, आप देख रहे होंगे जो ये स्थिति, एक बीजेपी के सांसद हैं, उनकी सरकार है, उनका एक रोष है, दूसरी तरफ एक समुदाय है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसके अपनी अपनी स्पष्टीकरण हो सकता है, चाहे वो कानूनी तौर पर वाजिब हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से हमारा समाज बढ़ जाता है, एक सरकार को जिस तरह से पहले यहाँ पर कह रहे थे बीजेपी के सांसद की देखिए पूर्ण बहुमत हमें मिलता है, इतनी सशक्त सरकार बनती है, लेकिन फिर बढ़ जाते हैं। निधि जी, हरियाणा में जो राजनीति की त्रासदी है वो आज इस प्रोग्राम में आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सुरेश जी और सैनी जी, मैं कम से कम उन चंद लोगों में से हूं जब उस कांड के बाद जो जाट बच्चे मरे थे उनके घर भी गया था, जो गैर जाट मरे थे उनके घर भी गया था, और कोई पार्टी का नेता एक साथ दोनों घरों में नहीं गया था, सब लोगों ने हमें बताया, तो उस हक से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। सच्चाई ये है कि पिछले 3-4 साल से हरियाणा में समाज को बांटने की साजिश चल रही है, बहुत घटिया राजनीतिक खेल चल रहे हैं, एक तरफ जाट आरक्षण के नाम पे भड़काने का काम चल रहा है, किसकी राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं वो अब आपको पता लग रहा होगा, सब सेटिंग वाला खेल है, ये सब बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर्ड रहा है, और दूसरी तरफ जाट विरोध की बहुत ही असंयत भाषा आदरणीय सैनी जी ने व्यवहार की है, जो किसी भी शालीन व्यक्ति को, जो किसी भी एक जिम्मेदार नेता को शोभा नहीं देती,
वो भी है बीजेपी के अंदर, 35-1 के नाम पे प्रदेश में जहर डालने का काम हुआ है, और पिछले तीन साल से इस हरियाणा प्रदेश ने, सर मैं अपनी बात कह लूं आपको कहने का जरूर मौका मिलेगा, हम आपको ये बताना चाहिए पहले आप किसी के घर ही नहीं गए, अगर किसी के घर गए भी होते तो कम से कम इतनी शर्म आपको आनी चाहिए थी कि उसमें दो शब्द आपको भी बोलने चाहिए। आज मेरे को माँ और बहन की गालियां मंचों से दी गई और मेरा एक शब्द अगर कोई अश्लील भाषा का आप दिखा दें तो मैं आपके जूते में पानी पी सकता हूँ। भैया आपको अपने समाज के ऊपर भी थोड़ा गर्व होना चाहिए। नहीं नहीं सैनी जी, आप सैनी जी मैं अपनी बात कह लूं, आप जरूर कहिए, आपकी बात में थोड़ी रोक सकता हूं, कृपया ऐसा ना कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं किसी के घर नहीं गया। सर मैं सबके घर गया और उसके बाद हमने लिखित रिपोर्ट की कि हरियाणा में कितनी बुरी स्थिति इस वक्त चल रही है। कुलभूषण जी, हरियाणा जो योगेंद्र यादव जो बात कर रहे हैं और जो सैनी जी का जो गुस्सा है वो नजर आ रहा है, एक आरक्षण के ऊपर भी बोल दूं मैं आ रही हूं एक बात, नीति जी आरक्षण पे भी एक बात जी जल्दी बोलिए सर, कम से कम आपको भी हमारे को भी आरक्षण पे मुझे इतना ही कहना जल्दी सर, वो ये कि गुजरात में कांग्रेस ने एक वायदा किया, बीजेपी ने कहा कि यह बिल्कुल झूठा वायदा है, और हकीकत यह है कि हरियाणा सरकार ने एग्जैक्टली वही वायदा किया है जिसको बीजेपी गुजरात में झूठा वायदा बता रही थी। सबको पता है कि कोर्ट में आने के बाद यह आरक्षण खारिज होने वाला है, बिल्कुल झूठा प्रॉमिस है। बिल्कुल कुलभूषण जी आप बहला रहे हैं जाट समुदाय का काम कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष रैली कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं, राजनीतिक दल आप बहला रहे हैं जाट समुदाय को, अब वो अपनी ट्रैक्टर से रैली को नहीं रोकेंगे। योगेंद्र जी मेरे बड़े भाई, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मामला ये लोग पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं, पहले भविष्यवाणी आप कल की रैली की बात, मैं वही कह रहा हूं आप बहला रहे हो हमारे जाट समुदाय, नहीं हमने कहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर आज हरियाणा प्रांत के अंदर चाहे भाईचारे की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे किसी भी जाति की बात हो, जानते हो कि हुड्डा सरकार ने नोटिफिकेशन लाए थे वो गिर गया था सुप्रीम कोर्ट, कारण है उसका हुड्डा साहब ने केवल और केवल वोटों के लिए जाटों को खुश करने के लिए जल्दबाजी के अंदर उन्होंने आरक्षण दिया उसी का ये परिणाम है। अगर वो सही तरीके से कानूनी तरीके से उसको कानून प्रावधान के अनुसार अगर वो उसको इनको आरक्षण देते तो मैं समझता हूं कि आज हरियाणा की स्थिति ये ना होती। और अभी जैसा योगेंद्र जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने साथी सुरेश जी आपको नहीं लगता कि आपको बहलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसकी आप प्रतीक्षा कीजिए, आप अपने सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास रखिए। नीति जी हमने 5 बार फैसले किए, सरकार कहीं कहीं अटक जाती है, ये पर हम तो अपनी मांग को जारी रखे हुए हैं और आगे भी मुकरेगी तो फिर यही काम है, हम संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं, शांतिपूर्वक संघर्ष के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। नहीं हमने बातचीत हो गया, हमने अपना विरोध वापस ले लिया था भाई, हम उसमें और बिल्कुल विरोध भी क्या था, हम तो ये था भी जो इनकी पार्टी ने वादा किया सरकार ने, केंद्र में भी इनकी सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे थे, हम अपनी बात रखने के लिए उनके सामने जा रहे थे, उससे पहले इन्होंने हमारी बात को सुना और उसको माना, क्योंकि हमको गलत मांग तो है नहीं, क्योंकि जो इन जातियों को आरक्षण जिनके ये तैसी बने फिर रहे हैं, ये झूठे तैसी है, ये राजकुमार सैनी, सैनी को, गुजर को, अहीर को, और ये जातियां हमारे समान है, जाट इनके समान जातियां हैं। अगर हम जाति से उठे लेकिन जो कानून के तहत मामले दर्ज हुए ना, अगर वो मामले वापस लिए जाते हैं सभी के, ये कहते हुए सभी के, लेकिन ये कहते हुए कि हरियाणा के बच्चे हैं इनको मामला वापस ले लेना चाहिए, समय बीत गया है, कैसे केसेस तो 20 साल। सुनिए सुनिए सुनिए, वहाँ पत्थरबाज जो सेना पथराव करते हैं, ISIS के देशद्रोही झूठे दिखाते हैं, उनके 9300 केस वहाँ वापस लेती सरकार, यूपी में 20,000 केस योगी जी वापस लेते हैं, पटेल आंदोलन के केस वहाँ गुजरात में वापस लिए जाते हैं, सरकारें झूठे केस जब दर्ज करती 10,000 आदमी होते हैं, 2500 को छाट को केस लगा देती है। क्या गलत कह रहे हैं, वापस ले सकती सरकार जी, और हुए हैं जी, कोई नया काम नहीं है। टिप्पणी 30 सेकंड में बस, 30 सेकंड में टिप्पणी बस। एक तो जैसे सैनी जी ने कहा कि अगर सरकार इतना ही दया निधान है तो भाई दलित लोगों ने जो आंदोलन किया था वो भी वापस ले लो, बाकी जितने भी आंदोलनों के केस हैं और किसानों वाले केस हैं, कम से कम किसानों के खिलाफ तो केस वापस ले लो। सच्चाई ये है कि बिल्कुल टोटल पॉलिटिकल सेटिंग का खेल चल रहा है दोनों तरफ से, और ये सरकार इस वक्त देख रही है कि किस तरफ लड्डू फालतू, हमारी कोई सेटिंग नहीं है, हमने कांग्रेस में भी आंदोलन किया है, फायदे में है, और मेरे भारद्वाज साहब ने कहा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करो, मैं जरूर करूंगा, आप अरुण जेटली जी में भी विश्वास करो, बिल्कुल सवाल ये उठ जाता है, ये सवाल लगा रहता है कि जो कानून के तहत मामले दर्ज होते हैं उनको इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे वापस ले लिया जाता है, लेकिन बहरहाल
राजनीति में अब देख रहे हैं, सब वाजिब है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम प्राइम टाइम में ले रहे हैं, उसके बाद आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे, आप लोग भी लौटेगा। आप सबको नमस्कार। क्या सोहराबुद्दीन कथित फर्जी मुठभेड़ केस में न्यायिक प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर रही? बॉम्बे हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय थिप्से का तो यही मानना है। उनका कहना है कि सोहराबुद्दीन केस में जस्टिस सिस्टम फेल हुआ है, कई हाई प्रोफाइल अभियुक्तों को छोड़ा गया है जबकि उन्हीं सबूतों पर बाकी अभियुक्त जेल में हैं। उनका कहना है कि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जस्टिस अभय थिप्से से बात की हमारे संवाददाता सुनील सिंह ने। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मुकदमा शुरू से ही शंका और सवालों से घिरा रहा है और लगातार इस पर सवाल उठते रहे हैं। नया सवाल उठाया है पूर्व जस्टिस अभय थिप्से जी ने। हमारे साथ हैं खुद पूर्व जस्टिस अभय थिप्से। सर, आपको कब लगा कि अब इस पर बोलना चाहिए कि कुछ तो गलत हो रहा है इस मुकदमे में? नहीं, इसमें जब हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ते थे तो ये पता चलता था कि बहुत सारे एक्यूज डिस्चार्ज हो गए इसमें, और फिर वो मीडिया गैग की भी ऑर्डर पास हो गई। तो उस दौरान कुछ जर्नलिस्ट से मेरी मुलाकात हुई और मैंने ओपिनियन एक्सप्रेस किया कि मुझे ये डिस्चार्ज ऑर्डर ठीक नहीं लगते, और इसका रीज़न ये था मुझे थोड़ी आइडिया थी केस के बारे में, क्योंकि कुछ आरोपी जो है उनके बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट में आए थे, तब हमने डील किया था। तो आई एक्सप्रेस दिस ओपिनियन, और फिर मुझे पूछा गया कि अगर ऐसी बात है तो क्या आप ये बोलने के लिए तैयार हैं? तो आई सेड ये जो फैक्ट्स है, माय लीगल कन्विक्शंस आर देयर, तो हम बोलने के लिए तैयार है। फिर एक न्यूज़पेपर ने हमारा इंटरव्यू लिया इसके। सर, ऐसा क्या पाया कि आपको लगा कि हाँ वाकई में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और खुद बॉम्बे हाईकोर्ट को इस मामले में सुओ मोटो लेते हुए इस फैसले को फिर से देखना चाहिए? हाँ, नहीं, पहली बात क्या है कि 38 एक्यूज में से 15 डिस्चार्ज हो गए, और डिस्चार्ज का मतलब यह होता है कि उनके खिलाफ प्राइमा फेसी केस नहीं है। प्राइमा फेसी आप समझते हैं, मतलब इवन जो प्राथमिक केस भी नहीं है। अभी सवाल ये उठता है कि अगर प्राथमिक केस इनके खिलाफ नहीं थी तो इनको 5-5, 7-7 साल कस्टडी में क्यों रखा गया? इसमें आप जानते हो कि बहुत सारे एक्यूज को बेल नहीं दिया गया था, उनको अलग अलग कोर्टों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई उनको बेल रिफ्यूज़ की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट्स हैं जिसमें लिखा है कि अगर प्राइमा फेसी केस नहीं है तो बेल तुरंत देना चाहिए, बाकी बगैर देखते हुए, बाकी फैक्टर्स भी देखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस ये सब तभी देखा जाता है जब प्राइमा फेसी केस है। तो अभी बात ये हुई कि उनको 5-7 साल के बाद, और वो भी इस तरह से मिला क्योंकि आप काफ़ी देर तक कस्टडी में है, ट्रायल चल नहीं रही है, इसलिए सिंपथेटिक कंसिडरेशंस पर आपको बेल मिल रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को दिया, उसका फ़ायदा मिल गया, बाकी भी आरोपी इनको पैरिटी के ग्राउंड पर मिला। अब ऐसी हालत में आप बाद में अगर ये बोलते हो कि उनके खिलाफ प्रोसीड करने के लिए केस ही नहीं है, तो सवाल यह उठता है कि फिर बेल क्यों नहीं मिला इनको? अगर बेल आप इसलिए नहीं दे रहे कि सीरियस ऑफेंस है और प्राइमा फेसी केस है, तो सब्सिक्वेंटली यह कैसे कहा जा सकता है कि इनके खिलाफ केस ही नहीं है? तो ये थोड़ी ताज्जुब की बात थी। इसका मतलब साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं कि कोई मैनिपुलेशन हुआ है, या हम क्या कहेंगे? मैनिपुलेशन तो आई विल नॉट से दैट, बिकॉज ये इन्फरेंस लगाना बहुत मुश्किल है। बेल एप्लीकेशन जो हम बोल रहे हैं वो सब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के लेवल पे डील की गई है। अभी डिस्चार्ज एप्लीकेशन तो अभी तक तो लोअर कोर्ट के, मतलब ट्रायल कोर्ट के लेवल पर है। अभी वहाँ क्या आर्ग्यू किया गया और किस तरह से वो परसुएड किया गया कोर्ट को, ये समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात है कि यूजुअली ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो बेल एप्लीकेशन में भी हो या कहीं भी हो, उसको इग्नोर नहीं करता। यहाँ डिस्चार्ज करते समय टेक्निकली उन्होंने एटलीस्ट वो कंसिडर करना चाहिए था कि वो ग्राउंड्स और वाई दे आर टेकिंग अ डिफरेंट व्यू। जब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में अगर लिखा है कि प्राइमा फेसी केस है, और शुरू में गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट्स में भी है, गुजरात की जो ट्रायल कोर्ट है उसमें भी है, तो काफ़ी जगह ये लिखा गया है कि प्राइमा फेसी केस है, सीरियस ऑफेंस है, इसलिए हम बेल नहीं दे रहे। तो आज आपका व्यू चेंज होने की क्या वजह है? वो नहीं हुआ है। अभी इसमें क्या हुआ है, ये क्यों अप्रिसिएशन इस तरह से हो गया है, इसकी कई वजह हो सकती है, वो वी कांट से अबाउट इट। 38 में से जो 15 आरोपी डिस्चार्ज हुए हैं, जिसमें अमित शाह भी हैं, ज्यादातर मामलों में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं था, यानी तकनीकी ग्राउंड पे ज्यादातर डिस्चार्ज किए गए। नहीं, मैं हमारे ख्याल से तीन या चार लोगों को सैंक्शन के ग्राउंड पे
किया गया होगा डिस्चार्ज। लेकिन सैंक्शन का क्या है, 197 सीआरपीसी का है कि सैंक्शन इज रिक्वायर्ड इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज इन एक्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज व्हाइल एक्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज और परपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ व्हाइल एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। तो देर आर नंबर ऑफ जजमेंट्स कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी और मर्डर की थ्योरी अगर बिलीव की जाती है तो सैंक्शन की नेसेसिटी नहीं, बिकॉज इवन रिमोटली इट कैनॉट बी कनेक्टेड विद द ऑफिशियल ड्यूटीज। अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन करें तो कोई भी पुलिस ऑफिसर मर्डर कर देगा तो वन वुड से देर इज अ नेसेसिटी ऑफ सैंक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्यूटीज। तो अभी और उसमें यही बात नहीं है, व्हाट आई ऑब्जर्व कि अगर 197 के सैंक्शन जरूरी है तो ये बात सही है कि देन यू कांट टेक कॉग्निजेंस केस हो आपके खिलाफ या नहीं हो, लेकिन 197 का सैंक्शन वो दैट विल दैट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू दी पुलिस ऑफिसर्स और लोअर लेवल ऑल्सो। तो यहाँ क्या किया गया, लोअर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ तो चल रहा है केस, तो इसका मतलब अगर सैंक्शन की जरूरत थी तो फिर उनको क्यों नहीं है, इस बात का भी खुलासा नहीं होता। यानी कहेंगे पैमाना और मापदंड अलग अलग है आरोपियों के तरफ, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है एज ए लीगल पर्सन एंड फ्रॉम माई लीगल नॉलेज एंड वट एवर आई हैव रेड आई डू थिंक दैट वे। शायद इसीलिए आप कह रहे हैं कि फैसले में जो है इनकंसिस्टेंसी है। हाँ, इनकंसिस्टेंट मुझे लग रहा है ऑर्डर्स। यस, धन्यवाद। पूर्व जस्टिस अभय टिप से जो साफ तौर पर मान रहे हैं कि सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मुकदमे में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि जो फैसले हुए हैं या डिस्चार्ज जो हुए हैं वो उसमें समानताएं नहीं हैं उतनी, और साथ ही जज लोया की मौत के प्रकरण है, भले ही उसमें अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन संदिग्ध जरूर है और उसकी जाँच होनी बहुत आवश्यक है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केंद्र सरकार बजट में घोषित स्वास्थ्य बीमा योजना पर सहमति के लिए कल यानी गुरुवार से दिल्ली में राज्यों के साथ दो दिन की बैठक कर रही है। सरकार की घोषणा के हिसाब से 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख सालाना कवरेज दी जाएगी, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य केंद्र सरकार से सहमत नहीं है। ममता बनर्जी ने सबसे पहले इस योजना से अलग होने का ऐलान किया है। ये जो खास करके हेल्थ की स्कीम लाए हैं और कहा ये खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो नहीं चल सकता। संसद सत्र के दौरान धमकी के बाद अब बंगाल में ममता बनर्जी ने बजट में घोषित केंद्र सरकार की हेल्थ बीमा योजना से पल्ला झाड़ लिया है। बंगाल सरकार का कहना है कि उसके पास स्वास्थ्य साथी नाम से बीमा योजना पहले से है जिसमें 1.5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो केंद्र सरकार की योजना पर अपने संसाधन बर्बाद नहीं करेंगी। पश्चिम बंगाल ही नहीं, कई दूसरे गैर बीजेपी शासित राज्य अपनी स्कीम का हवाला दे रहे हैं। कर्नाटक के पास 1.5 लाख रुपए कवरेज वाली आरोग्य भाग्य योजना है, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री संपूर्ण बीमा योजना है, आंध्र प्रदेश के पास एनटीआर वैद्य सेवा है, तेलंगाना के पास आरोग्यश्री और केरल में केंद्र की मौजूदा 30,000 रुपए की योजना के साथ जोड़कर राज्य सरकार अतिरिक्त 70,000 रुपए की सालाना कवरेज देती है। उधर उत्तर पूर्व के मेघालय में मेघा स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से सबसे बड़ी कवरेज वाली योजना है। जहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम नहीं है वहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड भी बहुत सारे राज्यों में चलता है, जहाँ पे इंडिविजुअली आपको अप्लाई करना होता है। केंद्र सरकार अपनी नई घोषित बीमा योजना को लेकर राज्यों के साथ प्रीमियम के बंटवारे की कोशिश कर रही है। नीति आयोग का कहना है कि वो केंद्र और राज्यों के बीच इस योजना को लागू करने के लिए तालमेल बना रहा है। राज्यों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है और वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि राज्यों के साथ मशवरे के लिए गुरुवार से दो दिन की बैठक की जा रही है। इस मामले में न केवल पैसे की कमी है बल्कि राजनीतिक पैंच भी फंसा हुआ है, और इसीलिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों अपनी अपनी ताल ठोंक रही हैं। सवाल उस मरीज का है जो इसमें कहीं बीच में फंसा हुआ है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और सुविधाओं का अभाव है और इलाज सिर्फ कागजों में हो रहा है। दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।